कि अगर ब्रह्मा जी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए और विष्णु भगवान को भी अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो जिन लोगों को ज्यादा कमाने की ललक है वो दुबई जाएंगे। अगर कोई कहता है कि मजदूरी मजबूरी में कर रहे हैं बाहर, सर महोदय ये गलत बात है। जो प्रतिपक्ष में है उन्हें लगता है हम प्रतिपक्ष तभी कहेंगे जब मुर्गी को अंडा और अंडे को मुर्गी बताएंगे। अभी एक जमाना था, यह भी एक जमाना है, मुकद्दर बिहार का अपने कर्मों से चमकाना है। जहां नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश जैसा हो वहां विकास का नया इतिहास बनाना है। महोदय नए जमाने में नई तकनीक के साथ हम कहां से कहां आ गए यह भी जानना और समझना आवश्यक है। 534 अंचलों में आऊंगा, वहां भी आऊंगा, बताऊंगा आपको। 534 अंचलों में ऑनलाइन भूमि दाखिल खारिज की स्थिति में सरकार को 80% सफलता मिली है, यह क्या सत्य है? कुल प्राप्त याचिकाएं बताता हूं, कुल प्राप्त याचिकाएं 43,45,345, निष्पादित याचिकाएं 34,000, निष्पादित याचिकाएं 34,07,882, प्रक्रियाधीन याचिकाएं 9,37,463। और जहां तक मजदूर पलायन की बात है महोदय, मजदूर पलायन सबसे ज्यादा कब हुआ? मजदूर पलायन जो है सबको मौका मिल रहा है बोलने का। महोदय मजदूर पलायन, मैं सदन से बोलता हूं कि अगर ब्रह्मा जी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए और विष्णु भगवान को भी अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो जिन लोगों को ज्यादा कमाने की ललक है वो दुबई जाएंगे, वो जाएंगे दुबई, वो जाएंगे मॉरिशस, उनको कोई रोक नहीं सकता है। आज के जमाने में अगर कोई कहता है कि मजदूरी मजबूरी में कर रहे हैं बाहर, सर महोदय ये गलत बात है, ये इस बात में बहुत सच्चाई नहीं है। महोदय लोकतंत्र की मजबूती में प्रतिपक्ष का बड़ा ही महत्व होता है, लेकिन कब? जब प्रतिपक्ष मौका है चाँद को चाँद, सूरज को सूरज और सितारा को सितारा कहे। बोलिएगा आपको मौका है, आप भी बकता है, बैठ जाइए, आपका बारी आवेगा, बोलिएगा। आपको नहीं मालूम है, पहले तो अध्यक्ष महोदय बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय जो प्रतिपक्ष में है, जो प्रतिपक्ष में है उन्हें लगता है हम प्रतिपक्ष तभी कहेंगे। आपको भी बोलने का मौका मिल रहा है बोलिएगा। महोदय जो प्रतिपक्ष में है उन्हें लगता है हम प्रतिपक्ष तभी कहेंगे जब मुर्गी को अंडा और अंडे को मुर्गी बताएंगे। महोदय क्या यह सत्य है कि पिछड़े वर्गों के बासहीन लगभग 35,000 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई? क्या यह सत्य है कि SC ST योजना के तहत? माननीय सत्यदेव जी बढ़िए लोग हैं और पूरी विषय को सुनिए, उन्होंने पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा कि मजदूरी करने के लिए ही सभी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वे कलाकार हैं, यहाँ से बिहार से बाहर गए थे। आप पहले बैठिए अपने जगह पर, आप बोलिए विनय जी। महोदय क्या यह सत्य है कि SC ST योजना के तहत अनुसूचित जाति के लगभग 64,000 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई? क्या यह सत्य है कि TSP योजना के अनुसूचित जनजाति के मौका मिलेगा, उचित गृह विहीन परिवारों में लगभग आप अपना 800 भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई? महोदय यह सब असत्य है तो सच क्या है? प्रोसीडिंग वह सरकार है, वह सत्ता, संसदीय भाषा नहीं जाती है, पहले से कहा हुआ है, बैठिए जगह पर। आपका गला का चिंता है हमको, आप जाइए बैठिए, गला मत खराब करिए। आप श्रमिक की चिंता पूरा सदन कर रही है, इसलिए पहले आप बैठे। आप श्रमिक के हितैषी है ना, तो हितैषी है तो स्थान ग्रहण करिए, सुनिए और अपनी बात रखिए, जाइए आप पहले स्थान ग्रहण करिए, जाइए। ये
पूरा सदन संवेदनशील है, उसके प्रति पहले स्थान ग्रहण करिएगा तभी ना सुनिएगा। हाँ अरे महबूब आप चाहते हैं ना सदेव जी बोला, आप चाहते हैं ना, तो बैठिएगा तब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ऐसे डिस्टर्ब करिएगा तो समय चल जाएगा। बोलिए महोदय। अब बोल दिए, कोई भी ऐसा शब्द नहीं जाता है, आप बैठिए स्थान पर, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आ जाए महबूब जी, नहीं आप अपमान कलाकारों का भी मत करिए, जाइए अपने स्थान पर। महोदय कलाकार का भी अपमान मत करिए, जाइए। चलिए सबका सम्मान, सबका सम्मान होना है। अब आपका हाथ उठा रहे पहले दो गो तो बैठिए। महोदय आ बैठे, आप सुनिए, चलिए चलिए महोदय, सरकार क्या हो गया, देखिए सत्ता जिसमें कहा जाता था यहाँ ना केहू केहू के मालिक राजा ना सरकार हो, महोदय रखेंगे, कहा जाता था यहाँ ना केहू केहू के मालिक राजा ना सरकार हो, ले जाए भोंसी लाठी वाला बबुआ यह बिहार हो, ये कहा जाता था। कोई भी शब्द नहीं जाएगा, बदला है महोदय, बिना आसन के आदेश, अभी एक जमाना था यह भी एक जमाना है, मुकद्दर बिहार का अपने कर्मों से चमकाना है, जहां नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश जैसा हो वहां विकास का नया इतिहास बनाना है।